13 फरवरी 2024, सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय रहेगा 3:44 दिन के, और ये परिवर्तन चार ऐसी राशियां हैं जो जान जोखिम में डालेंगे, उनको खतरा है जान का, जान भी जा सकती है लेकिन बच सकती है अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे और ये उपाय करेंगे जो हम बताएंगे आज आपको, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं और आपका भला ही भला चाहते हैं। तो इस निमित्त ये वीडियो बनाया है, और हमें दिख रहा है कि चार राशियों पर भारी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ शनि देव भी कुंभ राशि में अवस्थित हैं, और सूर्य और शनि जब एक राशि में होते हैं तो उथल पुथल तो भयंकर मचती है, तबाही आती है। और कुछ ऐसे जातक होते हैं जिनकी जान को खतरा हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है, कुछ अग्निकांड हो सकता है, और भी अन्य आपकी हम क्या बोलें, आप पूरा वीडियो देखिएगा और बचाव के उपाय कर लीजिएगा अगर आपकी ये राशि है जो हम बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ, जो कि आपका अपना ही चैनल है, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं इस चैनल को ग्रो करने में। मदद कीजिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी कराइए, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाता है तो हमें बेनिफिट मिलेगा, और आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजा सूर्य हैं और शनि को सेवक की उपाधि दी गई है, लेकिन दोनों का संबंध देखा जाए तो शनि काल पुरुष का दुख है और सूर्य आत्मा है, तो और पिता पुत्र का संबंध भी है शनि और सूर्य में, तो ये भयंकर संभावना है बर्बादी की, क्योंकि शनि और सूर्य की बिल्कुल भी नहीं बनती है। जिनकी कुंडली में शनि और सूर्य का मेल है, युति है, उनको बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, तो उनको तो उपाय करना ही पड़ेगा। जन्मकालिक की बात कर रही हूँ, गोचर में जब उसी कंडीशन में कोई ग्रह आते हैं जैसी कंडीशन में जन्मकालिक होते हैं तो पूर्ण फल जातक को देते हैं। तो आपकी अपने पिता से नहीं बनती है, या पिता ही आपकी बर्बादी का कारण है, पिता का आप कहना नहीं मानते हैं या पिता आपसे संतुष्ट नहीं है, तो ये उपाय करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। पहली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को सावधानी रखनी अपेक्षित है। पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, पार्टनर ही आपकी जान का दुश्मन बन सकता है और पार्टनर ही आपको बर्बाद कर सकता है। कोई दुर्घटना आपके जीवन में हो सकती है पार्टनर की वजह से। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिता पुत्र संबंधों में तनाव होगा, और पिता ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए या बेटा ही अपनी बाप की जान का दुश्मन बन जाए, ऐसी कंडीशन भी दिखाई देती है। उथल पुथल नहीं, महा उथल पुथल मचेगी इस युति से। सूर्य शनि की युति बहुत खतरनाक होती है, जन्मकालिक भी। अब गोचर में बन रही है तो कैसे पीछे रहेगी, बर्बाद तो करके रहेगी, लेकिन उपाय हम आपको बताएंगे जिससे ये बर्बादी टल जाए। वीडियो लास्ट तक देखना जिससे हम आपको बता सकें उपाय, और उन उपायों को आप सुनकर समझकर अप्लाई कर सकें। सूर्य का अगर गोचर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो इसकी जो पहचान ये है कि आपका बार बार मुंह में थूक आएगा, आपकी कार्य क्षमता डल हो जाएगी, पत्नी को कष्ट होगा या पति को कष्ट होगा, और पिता पुत्र संबंधों में खटास आएगी निश्चित है। लेकिन पिता और पुत्र अलग अलग रहते हैं तो वाद विवाद क्षणिक होगा फिर मिट जाएगा। ये आपसे समझदारी पर भी ट्यूनिंग पर भी डिपेंड करता है कि दोनों की ट्यूनिंग कैसी है, दोनों की इंटेलिजेंसी कैसी है, दोनों की समझ कैसी है। दोनों अगर अकलमंद हैं तो ये संभावना नील हो जाती है और टल जाता है हर खतरा। विशेष रूप से उनको कष्टकारी है जिनको सूर्य में शनि या शनि में सूर्य की दशा चल रही है।
सूर्य और शनि एक दूसरे से सप्तम स्थान में हैं तो भी ये संभावना है। नेगेटिव इफेक्ट की, पहले सूर्य के गोचर फल आपको बता देते हैं। अगर आपकी जो जन्म राशि है उसी जगह सूर्य है तो स्थान का नाश करता है, आपके घर संसार में कोई विनाश हो सकता है, तबाही आ सकती है, आपकी कैरियर को खतरा मंडरा सकता है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कोई भी कारण आपकी बर्बादी का हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। दूसरे स्थान में अगर सूर्य है गोचर में आपकी चंद्र राशि से तो भयानक भय आपको लगता है और आपको तबाही का खतरा बार बार दिखाई देता है, आपसे ऐसे काम हो जाएंगे जिससे आप पछताएंगे, तो आपको संभल संभल के ये 1 महीना निकालना है। तीसरे स्थान में सूर्य के गोचर बहुत शुभ होता है। अपनी राशि से देख लीजिएगा कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, और तीसरे स्थान में जो सूर्य है वो धन लाभ कराता है। चौथे स्थान में सूर्य इंसल्ट कराता है, किसी जातक से आपको अपमान होने का भय है और इंसल्ट हो सकती है, मान सम्मान में भयंकर कमी आएगी, बदनामी भी हो सकती है। बदनामी एक तरह से जान पर मुसीबत आने से अधिक होती है, तो आपको संभल संभल के काम करना है। चंद्र राशि से अगर पंचम स्थान में सूर्य हो तो निर्धनता आती है, यानी अगर आप अमीर हैं तो गरीबी आपके पल्ले पड़ सकती है और गरीबी होना अपने आप में एक अभिशाप है। छठे स्थान में सूर्य होता है चंद्र राशि से तो अति उत्तम होता है, तो आप अपनी जन्म पत्री से देख लीजिए, छठे स्थान में सूर्य है आपका, जन्म कालिक है या गोचर में अभी आ रहा है, तो आपको शत्रु मुंह की खाएंगे, आपका बाल भी नबाका नहीं कर सकेंगे, उनकी ऐसी तबाही होगी कि दुनिया देखेगी। सप्तम स्थान में अगर आपके सूर्य है तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि ही हानि की संभावना अधिक है। जीवन साथी से पार्थक्य हो सकता है, अलगाव हो सकता है, जीवन साथी से ही आपको खतरा हो सकता है। अगर अष्टम स्थान में सूर्य है चंद्र राशि से तो पीड़ाजनक होता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, अग्निकांड हो सकता है, पत्थर से चोट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है। नवम स्थान में जो सूर्य होता है चंद्र राशि से तो आपकी हानि करता है, आपकी जो इमेज मार्केट में है उसके उस पर खतरे के बादल मंडराते हैं और आप जितना भी संभालें हानि होके ही रहती है। दशम स्थान में चंद्र राशि से सूर्य बहुत अच्छा होता है, आपको लाभ मिलता है बिजनेस में या नौकरी में, आपको प्रमोशन मिलता है, राजपक्ष से आपको लाभ होता है, राजनीतिज्ञों को बहुत शुभ फल मिलते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग लाभान्वित होते हैं इस अवधि में। एकादश स्थान में भी सूर्य अच्छा होता है और अति संपत्ति के लाभ आपको देता है और आपको जबरदस्त पैसा कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। चंद्र राशि से अगर द्वादश स्थान में सूर्य होता है तो भयंकर कष्ट होता है, दुर्घटना में जान का खतरा है, कोई आपको जहर दे सकता है, कोई आपको हमला कर सकता है, कोई आपको ऐसी स्थिति तो उत्पन्न कर सकता है कि धन भी लूट के ले जाए, तो आपको खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आप चंद्र राशि से देख लीजिएगा, आपकी जो भी द्वादश स्थान में राशि पड़ती है, मतलब चंद्र राशि से द्वादश स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है। तो प्रमुख रूप से सिंह राशि वालों को सावधानी रखनी ज़रूरी है। चंद्र राशि कोई भी हो, गोचर कोई भी हो, लेकिन ग्रह गोचर इस तरह से बने हैं कि सिंह राशि वालों को जान का खतरा है, कन्या राशि वालों को जान का खतरा है, तुला राशि वालों को जान का खतरा है और मिथुन राशि वालों को जान का खतरा है। अब उपाय जान लीजिए जो जान का खतरा डाइवर्ट हो जाए और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके लिए कुछ उपाय हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो आपको रविवार को नमक कम खाना है, नमक कम खाना है, अपने पिता का सम्मान करना है, पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर करना है इस अवधि में। सूर्य सहस्त्र नाम का जाप करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना है। सूर्य को जल अर्पित करते समय आपको थोड़ा हल्दी और दालचीनी का पाउडर उसमें डाल देना चाहिए,
इससे आपकी रक्षा होती है और आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। अपने मन में सूर्य की इमेजिनेशन लाएं, जब सूर्य के रथ के घोड़े हैं उनके इमेजिनेशन लेकर आएं और उनको अपनी आंखों में बसा लीजिए। जब भी कोई विपदा आए, टेंशन हो, तो उन उस स्वरूप को आंखों में ले आएं और 5 मिनट तक आंखें बंद करके मेडिटेशन करें। अत्यंत लाभ होगा आपको। आपको भगवा कलर के कपड़े पहनने चाहिए इस अवधि में, या भगवा कलर का रुमाल अपने पास रखना चाहिए, तो अत्यंत आपको फ़ायदा होता है। आपकी राशि कोई भी हो, भगवा कलर आपकी रक्षा करेगा, भगवा कलर आपको दुर्घटना से बचाएगा और आपको ये सोच देगा कि आप अवेयर होकर हर काम करें, सावधानी पूर्वक काम करें। इसके अलावा सूर्य भगवान के 108 नाम आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएंगे, तो पॉसिबल हो तो सूर्य भगवान के 108 नाम इस अवधि में डेली जपें या सुने, आपको फ़ायदा होगा। अत्यधिक कष्ट की स्थिति में रविवार को 800 ग्राम गुड़ और गेहूं मंदिर में दान करें। कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले, अगर घर से बाहर निकलते समय अगर आप गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलते हैं तो आपकी सर्वत्र रक्षा होती है। सूर्य कवच भी आपकी रक्षा करने में सक्षम है। सूर्य कवच का पाठ करें, आपको ये पाठ YouTube पर मिल जाएगा, तो अवश्य ही करें और अपनी जान बचाएं। अगर आपको पार्टनरशिप में खतरा है या शत्रु पक्ष से खतरा है, तो संडे संडे लाल बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं, आपकी रक्षा होगी। सूर्य की चीज़ों का दान इस अवधि में आपको नहीं लेना है बल्कि दान देना है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको लगता है कि गुप्त शत्रु हैं जो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, वो आपको आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो डेली तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा दूध डालें, लाल पुष्प और लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य देवें। इससे सूर्यकृत कष्टों में कमी आती है और गुप्त शत्रु आपके कोई वर्क नहीं कर पाते, निष्क्रिय से हो जाते हैं, तो आपको उनसे कोई खतरा है तो ख़त्म हो जाता है। ये टोटका इतना पावरफुल है, इसको करें और अपनी जान बचाएं। तो आज के लिए इतना ही। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु, पाम रीडिंग के माध्यम से। हमने गुरुओं से प्रशिक्षण लिया है और हमारे पास ये डिग्री भी है इसकी, 25 साल का अनुभव है हमें। तो आपको हमसे परामर्श लेना है तो हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। अभी रश बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों तो थोड़ा वेट करिएगा, हम डिस्काउंट भी देने वाले हैं तो आपको लाभ हो सकता है। शीघ्र ही डिस्काउंट देंगे तो थोड़ा समय है, तो वेट करिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, जिससे हम आपको मार्गदर्शन देते हैं अपने